कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन विंस मैकमहोन जो है वो रोड पर जाएंगे और वहां पर अपने सर पर हाथ मारेंगे, थोड़ा बहुत डैंड्रफ नीचे गिरेगा और टोनी खान आएंगे अपनी चेकबुक लेकर और उस डैंड्रफ को भी खरीद लेंगे। और सिर्फ डैंड्रफ ही क्यों यार, कई बार विंस मैकमहोन रोड के साइड में कहीं टॉयलेट वॉयलेट। पिछले कुछ सालों के अंदर AEW एक ऐसी कंपनी निकल कर आई है जिसने काफी कमाल किया है रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर और काफी इंप्रूव उन्होंने किया अपने शोज और डे बाय डे और नए नए फैंस को गेन करते आ रहे हैं अपने शोज के लिए। बट स्टिल कुछ ऐसी कमियां है जो कि हमें AEW के शोज के अंदर अभी भी देखने को मिलती है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर AEW को अभी भी इम्प्रूव करना होगा। इस वीडियो के अंदर हम वही बात करने वाले हैं कि क्या ऐसी कमियां है जो कि हमें AEW के शोज के अंदर देखने को मिलती है और क्या ऐसी चीजें हैं जहां पर वो गलती कर रही है और जिन चीज में उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ताकि उनके शोज और ज्यादा बेटर हो सके। तो कमाल की वीडियो आने वाली है, इसको एंड तक देखना। चैनल पर नए या फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट ऑफ वीडियो करेंगे नॉट टाइम वेस्ट करें। सो फिर हे एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल बैक विद अ न्यू वीडियो। वैसे WWE वर्सेस AEW के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो कुछ और वीडियो मैंने ऑलरेडी निकाल दिए जो कि चैनल पर है, तो जाकर आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली गलती जो कि हमें AEW के शोज के अंदर देखने को मिलती है और वो है भाई AEW के सुपरस्टार्स के एंट्रेंस म्यूजिक। मतलब भाई एंट्रेंस म्यूजिक की अगर आप बात करते हो तो भाई इतने वाहियात होते हैं। मतलब अगर मैं उनको कंपेयर करूं WWE के सुपरस्टार्स के एंट्रेंस म्यूजिक की तो भाई बिल्कुल ही कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब अगर मैं WWE के पहले वाले सुपरस्टार्स को कंपेयर करूंगा तो फिर तो भाई कंपेयर करना ही गलत होगा, बेइज्जती हो जाएगी उनकी। पर अगर मैं अभी के सुपरस्टार्स को कंपेयर करूंगा तो भी वो काफी ज्यादा बेटर है। मतलब अभी के WWE के सुपरस्टार्स के अगर आप म्यूजिक सुनोगे तो काफी म्यूजिक ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल के हैं, अच्छा लगता है सुनने में। चाहे वो मैट रिडल का हो, ड्रू मैकइंटायर का हो, केविन ओवेंस या फिर फिन बैलर या फिर और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जिनके म्यूजिक अच्छे खासे हैं। पर अगर आप AEW के एंट्रेंस म्यूजिक सुनोगे सुपरस्टार्स के तो भाई वो इतने वाहियात है कि मजा ही नहीं आता। मतलब ऐसा मन करता है किसी की अगर एंट्रेंस हो रही है, मन करता है कि भाई वो पार्ट जो है स्किप कर दो। जैसे हम गेम्स में नहीं खेलते, वीडियो गेम खेलते हैं और उसको स्किप कर देते हैं एंट्रेंस को, तो बिल्कुल ही वैसे ही मन करता है उस टाइम। और यहाँ पर मैं बात सिर्फ म्यूजिक की नहीं कर रहा हूँ, मतलब म्यूजिक तो चलो छोड़ ही दो, पर क्वालिटी अगर आप साउंड की सुनोगे तो भाई वो भी बहुत ज्यादा खराब है। मतलब आपने सुनोगे WWE के आप एंट्रेंस म्यूजिक अगर आप सुनते हो तो मजा आता है उनको सुनने में, पर AEW के अंदर अगर आप कोई भी म्यूजिक सुनोगे, इवन अगर आप कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी CM Punk का सुनोगे, वो WWE वाला जब बजता था तो भाई उसमें मजा आता था सुनने में, उनका साउंड सिस्टम अच्छा था। पर AEW का सुनते हो ना तो भाई वो फील ही नहीं आता। मतलब अगर आपको मैं डिफ्रेंशिएट करके दिखाऊं तो एग्जाम्पल के तौर पर आपने JBL के हेडफोन लिए हुए हैं सोचो, और 1000-1500 रुपए खर्च करें JBL के हेडफोन लिए, या फिर किसी अच्छी कंपनी के आप हेडफोन चला रहे हो और उसमें आप गाने सुन रहे हो कोई, तो भाई उसमें अलग ही मजा आएगा। मतलब बेस होगा, क्वालिटी होगी, मजा आएगा। और वही गाना अगर आप किसी 50-100 रुपए वाले हेडफोन के अंदर सुनोगे तो भाई कैसे मजा आएगा, बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा, क्वालिटी भी रद्दी होगी। तो बिल्कुल ही वही फर्क है WWE के म्यूजिक और AEW के म्यूजिक में, इतना ज्यादा डिफरेंस है दोनों के म्यूजिक। और आई थिंक इसको जो है वो AEW को इम्प्रूव करना होगा, बिकॉज ये मेजर रोल प्ले करते हैं एंट्रेंस म्यूजिक से एक सुपर स्टार के कैरेक्टर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अगर उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग आप बनाओगे तो उस कैरेक्टर में भी ज्यादा मजा आता है। तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो कि AEW को इम्प्रूव करनी होगी। चलते हैं अगली चीज के ऊपर जो कि AEW के शोज के अंदर हमें काफी खराब देखने को मिलती है, और भाई ये है AEW का खचाखच भरा हुआ रोस्टर। मतलब भाई ये तो मुझे समझ ही नहीं आता है। जैसा आपने देखा होगा ना कि इंडिया के अंदर जो लोकल ट्रेन होती है भाई क्या खचाखच भीड़ होती है ना उसके अंदर, बिल्कुल वैसे भाई AEW का रोस्टर है, समझ नहीं आता है। फलाना ढिमाका सबको रखा हुआ है उन्होंने। कोई भी सुपर स्टार WWE से रिलीज हो रहा है, टोनी खान उनको साइन कर लेते हैं, चाहे उसको जरूरत हो नहीं हो, चाहे उसका कोई यूज हो नहीं हो भाई, पर उसको वो ले लेते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि AEW ने भाई कुछ बंदे ऐसे रखे हुए अपनी कंपनी के अंदर जो कि सिर्फ पूरी USA के अंदर जाते हैं या कनाडा या फिर आसपास की कंट्रीज के अंदर जाते हैं और जाकर लोगों से ये पूछते हैं, हाँ भाई तुमने WWE के अंदर कभी काम किया है, थोड़ा बहुत भी क्या हो, एक घंटे के लिए क्या हो, हम तुमको साइन कर लेंगे, बस WWE का नाम तुमसे जुड़ा होना चाहिए, हम तुमको साइन कर लेंगे, चाहे हम यूज करें तुम्हें ना करें पर कर लेंगे साइन। मतलब भाई ये मेरी समझ से बाहर है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन विंस मैकमहोन जो है वो रोड पर जाएंगे और वहां पर अपने सर पर हाथ मारेंगे, थोड़ा बहुत डैंड्रफ नीचे गिरेगा और टोनी खान आएंगे अपनी चेकबुक लेकर और उस डैंड्रफ को भी खरीद लेंगे। और सिर्फ डैंड्रफ ही क्यों यार, कई बार विंस मैकमहोन रोड के साइड में कहीं टॉयलेट वॉयलेट करके, खैर चलो छोड़ो ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, पॉइंट ये है कि भाई मतलब अगर आपको किसी की जरूरत है तो उसको आप लो, मतलब नहीं है जरूरत तो क्यों ले रहे हो। मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया बिग शो को क्यों लिया हुआ है, मार्क एंट्री को क्यों लिया हुआ है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मतलब यार जरूरत है लो, नहीं है ना लो, क्यों जबरदस्ती भरे जा रहे हो अपना रोस्टर। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि भाई AEW को इम्प्रूव करनी है, थोड़ा सा कम रोस्टर रखो, फालतू के सुपरस्टार्स मत लो जिसकी जरूरत भी ना हो या जिसको आप यूज भी ना कर रहे हो। अगली चीज पर चलते हैं जो कि है भाई AEW के कुछ मैचेस की क्वालिटी। मतलब मैं यहाँ पर सब मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली सब मैचेस अच्छे होते हैं, बट कुछ मैचेस मतलब कुछ की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है ऑब्वियसली, और वो मैचेस ऐसे होते हैं जिसकी क्वालिटी ऐसी होती है कि मतलब एक के बाद एक मूव, मतलब एक इधर से उड़ रहा है, उधर से उड़ रहा है, मतलब बैक टू बैक नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिलता है जो कि काफी बोरिंग लगता है। अगर आप किसी मैच को एक ही पेस में रखोगे, चाहे वो पेस तेज हो, हल्की हो या फिर मीडियम की हो, वो मैच बोरिंग लगेगा। आपको हर तरीके की चीजें जो है एक मैच के अंदर दिखानी होती है, कई बार पेस को डाउन भी करना होता है, कई बार अप भी करना होता है, कई बार मीडियम में उसको रखना होता है। एक ही पेस में दिखाओगे तो
तो बोरिंग लगता है। कई बार AEW के मैचेस मैंने ऐसे देखे हैं जो कि मतलब भाई एक बंदा इधर से चल रहा है, उधर से चल रहा है, इधर से मार रहा है, उधर से मार रहा है, मतलब नॉन स्टॉप भाई, एक सेकंड भी नहीं रुकते हैं पूरे मैच के अंदर। ये अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने कहा भाई एक पेस रखोगे तो खराब लगेगा, बीच बीच में एक आधे मिनट के लिए अगर ऐसा आ गया तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पर अगर आप पूरा मैच ही ऐसे चला दोगे तो भाई वो ऐसा लगता है कि मैच नहीं है, कोई सर्कस देखना है। सर्कस में जैसे देखा ना एक के बाद एक कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ला दी उनको, ऑब्वियसली उन्होंने इंप्रूव डे बाय डे कराए, पहले के मैच रात के मैचेस में काफी इंप्रूवमेंट है, बट अभी भी कुछ मैचेस उनके ऐसे होते हैं, तो आई थिंक इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा उनको अपने मैचेस की क्वालिटी, ताकि और ज्यादा बेटर हो सके। अगली जो चीज हमें खराब देखने को मिलती है AEW के शोज के अंदर वो है भाई उनकी इनकंसिस्टेंसी, उनके पुशेस को लेकर और उनके स्टोरी लाइन को लेकर। मतलब कुछ ऐसी स्टोरी लाइन होती है AEW के अंदर जो आती है कब और कब चले जाती है पता ही नहीं चलता, मतलब चल रही है चल रही है चल रही है और अगले हफ्ते देखा हमने कि वो स्टोरी लाइन सडनली गायब कर दी। तो ये बहुत बार होता है, हमें देखने को मिला है WWE के अंदर भी ऐसा, पर भाई AEW इसको बहुत ज्यादा करती है। ऑब्वियसली इसका रीजन है कि भाई उनके पास रोस्टर इतना बड़ा है कि वो ये कर देती है, जिसकी वजह से काफी स्टोरी लाइन जो कि अच्छी लग रही होती है, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा होता है, उसको भी एकदम से वो गायब कर देती है। दूसरा पुशेस वगैरह, वो भाई सडनली किसी को पुश दे रहे हैं, सडनली उसका पुश जो है वो गायब ही कर देते हैं। मतलब कोई सुपरस्टार आया, रिटर्न हुआ उसका या डेब्यू वगैरह हुआ, उसको पुश मिला, मैच मिला टाइटल मैच, वो टाइटल मैच हार गया और उसके बाद वो बंदा डिसअपीयर हो जाता है। बहुत सारे एग्जांपल है, ब्रोडी ली को ले सकते हो। ब्रोडी ली जब आया था भाई लग रहा था कि भाई टाइटल मैच मिला है, कुछ करेगा करेगा, पुश मिलेगा तगड़ा, और भाई वो मैच हारा और उसके बाद वो बंदा गायब हो गया। और वही नहीं बल्कि यार और भी इसमें सुपरस्टार है, शॉन स्पेयर ले लो, ब्रोकन मैथ ले लो, या फिर यू नो बहुत सारे सुपरस्टार इस लिस्ट के अंदर जो कि आए, टाइटल मैच मिला, हारे, लगा ऐसा कि भाई मतलब बंदे को पुश मिल रहा है, कुछ हो रहा है, और सडनली वो बंदा गायब ही हो जाता है। मतलब एक होता है कि पुश गायब कर दिया, पर यहाँ पर वो बंदा ही गायब कर देते हैं। और ये इसका रीजन ऑब्वियसली है कि भाई इतना बड़ा रोस्टर है, जैसे ही मैंने कहा था कि रोस्टर बड़े होने की वजह से भाई बहुत सारी कमियां लगेगी शोज के अंदर, ये उनमें से है। और अभी आगे भी हिगा दी और कभी बताऊंगा जो कि रोस्टर बड़े होने की वजह से है। तो ये भी है भाई इनकंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलती है उनकी बुकिंग में, उनकी स्टोरी लाइन में, उनके पुशेज में, जिसकी वजह से भाई चीजें जो है वो खराब होती है। तो इस चीज को AEW को इम्प्रूव करना होगा आने वाले समय में। अगली कमी पर चलते हैं जो कि AEW के शोज के अंदर हमें देखने को मिलती है, और ये है भाई उनके फैक्शन। मतलब भाई फैक्शन की तो मेनिया बना रखी है AEW ने, एक फैक्शन, दो फैक्शन, तीन फैक्शन, चार फैक्शन, भाई गिन गिन के थक जाओगे आप, इतने फैक्शन है, समझ नहीं आता। और ऑब्वियसली अगेन एक और बार मैं ये चीज तुमको बता रहा हूँ, बड़ा रोस्टर है तो भाई सुपर स्टार्स को फिल करना है कहीं ना कहीं, तो इसलिए फैक्शन बना रहे हैं। मतलब भाई अगर किसी का वन ऑन वन मैच आप देख रहे हो ना, तो रिंग के बाहर आपको बंदे दिखेंगे दिखेंगे, मतलब बहुत कम मैचेस ऐसे होते हैं AEW के अंदर जहां पर रिंग के बाहर कोई बंदे नहीं दिखते हैं, क्योंकि भाई फैक्शन ही के होते हैं सारे मैचेस। तो भाई ये समझ नहीं आता है, ठीक है एक आधा फैक्शन बना लो भाई, दो तीन बना लो चलो भाई, पर इतने फैक्शन, और कई फैक्शन तो ऐसे जिसका नाम भी याद नहीं होगा आपको, जिसके अंदर ये नहीं पता होगा आपको कि कौन से सुपरस्टार है। तो ये खराब चीज है जिसको इंप्रूव करना होगा। अगेन रोस्टर इतना बड़ा है तो भाई कहीं ना कहीं फिल करना है उनको, तो यहाँ पर फिल करते हैं वो। दूसरी चीज इसी से जुड़ी हुई अगली चीज पर आते हैं, जो कि है टैग टीम्स। टैग टीम के मैचेस इतने देखने को मिलते हैं हमें, जो कि खराब चीज है। सिक्स मैन टैग टीम मैच, एट मैन टैग टीम मैच, टेन मैन टैग टीम मैच मत कराओ यार। जो क्लासिक जो WWE या फिर रेसलिंग के मैचेस होते हैं भाई, वो है वन ऑन वन मैचेस। इससे बेस्ट मैच कोई हो ही नहीं सकता है। बेटर अगर आपको अपने शोज करने हैं तो वन ऑन वन मैच में फोकस करो, ना कि इन या मल्टीपल मैचेस। ये भी होने चाहिए, ये भी बेटर होता है, बट ऑब्वियसली जो क्लासिक होता है वो वन ऑन वन होता है, वहां पर ज्यादा फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर होगा शोज के लिए। तो ये चीज है जो कि इंप्रूव करनी होगी। अगेन टैग टीम मैचेस और ये फैक्शन वाली जो चीज है, ये रोस्टर बड़े होने की वजह से, रोस्टर ज्यादा है, सुपरस्टार ज्यादा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करते हैं वो, जिसकी वजह से दिक्कतें आती है शोज के अंदर। तो रोस्टर कम कर दो, फैक्शन भी कम हो जाएंगे, और सुपरस्टार जो टैग टीम वाले जो फालतू के मैचेस है वो भी कम हो जाएंगे। अगली चीज पर आते हैं AEW की, जो कि है उनकी खराब वुमेन्स डिवीजन। वुमेन्स डिवीजन तो उनका ऐसा लगता है कि मतलब है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो नहीं भी होगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इतनी ज्यादा खराब है। एक तरफ आप WWE की वुमेन्स डिवीजन को देखोगे ना, तो भाई इतना कमाल का टैलेंट है ना। हालांकि मैं ये एग्री करता हूँ कि पिछले कुछ समय से वो अपनी वुमेन्स डिवीजन को काफी खराब बुकिंग दे रहे हैं, बट स्टिल उनके अंदर जो टैलेंट है वहां पर वो अलग ही लेवल के है। पर वुमेन्स डिवीजन अगर आप AEW के देखोगे तो भाई वहां पर रोस्टर ही इतना कमाल का नहीं है, तो फिर बुकिंग तो अलग ही ले लो आप। तो खराब वुमेन्स डिवीजन है जिसको उनको बेटर करना होगा, कुछ अच्छे साइन उनको करने होंगे वुमेन्स डिवीजन के। वेट किस चीज का कर रहे हैं कि भाई WWE छोड़ेगी वुमेन्स को तब खरीदोगे? अरे भाई बाहर देख लो, और भी वुमेन्स डिवीजन है, कहीं बाहर कंपनी की देख लो, उनको ले लो यार। अच्छा रोस्टर बनाओ वुमेन्स डिवीजन का, ताकि वुमेन्स डिवीजन को भी लोग सीरियसली लें, बिकॉज अब लोगों को पसंद आते हैं वुमेन्स डिवीजन के मैचेस। ऐसा नहीं है कि नहीं आते, अब आते हैं। अच्छे रोस्टर को रखोगे, अच्छे सुपरस्टार को रखोगे वुमेन्स डिवीजन में, अच्छे मैचेस, स्टोरी लाइन वगैरह दिखाओगे तो लोग इंटरेस्ट लेंगे। अगली और आखिरी चीज पर आते हैं, और वो है भाई AEW के पेपर व्यूज। पेपर व्यूज की अगर आप बात करते हो, WWE के अंदर भी कुछ ऐसे पेपर व्यूज है भाई जिसका होना ना होना एक ही बराबर होता है, बट उनके कुछ ऐसे पेपर व्यूज है भाई जिनके लिए आप वेट करते हो। मतलब रॉयल रंबल एक ऐसी पेपर व्यू है भाई जिसका आप वेट करते हो कि भाई कब आएगा कब आएगा। समर स्लैम लोग वेट करते हैं कब आएगा, सर्वाइवर सीरीज वेट करते हैं, रेसलमेनिया की तो चलो बात ही छोड़ दो, मतलब लोग वेट करते हैं कि भाई एक्सट्रीम रूल्स आएगा, लोग वेट करते हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच देखना है भाई, TLC मैच देखना है, टेबल्स मैच देखना है। मतलब ये एक WWE ने ब्रांडिंग बनाई है। ऑफकोर्स यार उनकी कंपनी इतने पुराने मतलब इतने सालों से, तो ऑब्वियसली उन्होंने ये ब्रांडिंग कर ली अपने पेपर व्यूज की, बट AEW को भी अब ठीक ठाक टाइम हो रहा है, तो उनको भी अब फोकस करना चाहिए कि आगे चलकर ये
पेपरव्यूज हमारे लिए एक ब्रांडिंग बने, ऐसे नाम बने जिनके नाम से ही भाई टिकट बिक जाए। मतलब इनके अंदर मैचेस हो या ना हो या कोई भी मैच हो, लोग इन पेपरव्यूज का नाम सुनते भाई इसके टिकट खरीदने चले जाए। मतलब अगर मेरी याददाश्त चले जाए और 10 साल बाद में भाई उठूं कहीं से सोकर, अगर मेरे को ये पता चले कि भाई कल रॉयल रंबल है, तो भाई मेरे को ये भी फर्क नहीं पड़ता कि किसके मैच है, कौन है, क्या नहीं है, मैं देखूं रॉयल रंबल, बिकॉज मेरे को वो मैच देखना है। रेसलमेनिया के लिए भी सेम कहानी है, देन अगेन सर्वाइवर सीरीज, समर स्लैम। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ब्रांडिंग करनी होगी, कुछ ऐसे पेपरव्यूज बनाने होंगे जो कि आगे चलकर, ऑब्वियसली यार एकदम से नहीं बनती ये चीजें, अभी करोगे मेहनत तो भाई आगे चलकर फल मिलेगा, बट वो मेहनत दिख नहीं रही है। तो मेरा वही पॉइंट है कि अभी दिखाओ मेहनत ताकि वो आगे चलकर उसका फल आपको मिल सके। तो यही सब था इस वीडियो के अंदर, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो वीडियो को लाइक मार देना। वैसे बहुत सारे ऐसे और पॉइंट्स थे जो कि मैं इंक्लूड कर सकता था, पर वीडियो और इतनी लंबी हो चुकी ऑलरेडी, मैंने बहुत कोशिश करी इसको शॉर्ट शॉर्ट करने की, पर भाई ये इतनी लंबी तो बनी गई है, तो इसलिए देख लेना, देख ही होगी वैसे अगर ये सुन रहे हो तो। खैर वीडियो लगी अच्छी तो लाइक मार देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया अभी तक। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।